देशवासियों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे मुल्क के तमाम शहरियों से, कि क्या अब भी आप इन मीडिया चैनलों पर भरोसा करेंगे? क्या अब भी आप इनकी सब्सक्राइबरशिप बढ़ाते चले जाएंगे, इनकी TRP बढ़ाते चले जाएंगे? कितनी इतना बड़ा ब्लंडर है ये। मैंने कुछ जर्नलिस्टों से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, असल में आपकी पिक्चर आसानी से मिल जाती है और मौलाना साहब की नहीं मिल पाई होगी, इसलिए कर दिया गया होगा। व्हाट ए जोक। वाह वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुल्क जिस सख्त आजमाइश से गुज़र रहा है उसे आप सब बखूबी जानते हैं, बल्कि किसी न किसी दर्जे में मुल्क का एक एक शहरी उससे मुतासिर हो चुका है। इस वक्त मीडिया की जो जिम्मेदारी थी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक आध को छोड़कर शायद पूरी मीडिया बिरादरी इस मुल्क को तबाह कर देने का फ़ैसला कर चुकी है। बात लंबी ना हो इसलिए मैं सीधे उस पहलू की तरफ आप सब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कल सुबह से ऐसी ख़बरें आना शुरू हुई और ऐसे विजुअल्स आने शुरू हुए, इमेजेस आने शुरू हुए कि मुल्क के मुख्तलिफ पोर्टल्स में, वेबसाइट्स में, यूट्यूब चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में ये निज़ामुद्दीन मरकज़ के बारे में कुछ ख़बरें आनी शुरू हुई और ख़ास तौर पर वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं मौलाना साद साहब, उनके बारे में ख़बरें, कुछ राइटर्स, कुछ आर्टिकल्स कल आए। उन राइटर्स में जो कुछ लिखा था इसके बारे में तो मैं इस वक्त कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जो बात पर्सनली आप तक पहुँचानी है वो ये है कि उनमें मौलाना साद साहब की तस्वीर की जगह पर मेरी यानी खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी की तस्वीर लगा दी गई। एक दो जगह होता तो हम ये समझते कि ये गलती से हो गया। मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी हूँ और देश में पहले ही से हज़ारों कंट्रोवर्सीज़ हैं। मैं कोई कंट्रोवर्सी में इजाफा अपने किसी पर्सनल मामले को बुनियाद पर नहीं लाना चाहता। इसीलिए मैं 1.5 साल पहले भी जब इंडिया TV ने मेरे ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी और मुझे फसादी मौलाना के नाम से उन्होंने पोर्ट्रे किया था, उस वक्त भी मैंने खामोशी इख्तियार की थी। लेकिन इस वक्त जो हरकत हुई है, मैं समझता हूँ उस पर खामोश रहना ये ख़ुद एक बहुत बड़ा अपराध होगा, जुर्म होगा। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ उन तमाम मीडिया चैनलों से और न्यूज़ चैनलों से, पोर्टल से, वेबसाइट से जिन्होंने ये हरकत की है, काश कि मैं हरकत के बजाय गलती का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये गलती है। अभी आप देखेंगे उन तमाम चैनल्स को, वेबसाइट्स को जिन्होंने कल ये काम किया है, कैसे माना जा सकता है कि अगर गलती एक से हो गई तो दूसरे से और तीसरे से और चौथे से और सातवें से और नवें से सबसे वही गलती होती चली जा रही। ये कैरेक्टर एसोसिनेशन की और किसी शख्स के इमेज को मलाइन करने की एक डेलिबरेट हरकत मालूम होती। मैं मीडिया के लोगों से भी अपना फ़र्ज समझकर एक बात कहना चाहता हूँ। आप सब किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, आपको ये यकीन होगा कि कोई है इस दुनिया का ईश्वर, कोई है इस दुनिया का चलाने वाला, आप उसको किसी भी नाम से याद करें। वो कब तक आपको इस जुल्म की मोहलत देगा? आप नहीं देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहलाने वाली ताकतों के लीडर्स के सर इस वक्त कितने झुके हुए हैं और वो कितना बेबस अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मैं अपना फ़र्ज समझकर आपको उस मालिक की ताकत के की सज़ा से आगाह करना, आपके एक भाई की हैसियत से, इस मुल्क के एक शहरी और एक इंसान की हैसियत से अपना फ़र्ज समझता हूँ। इस मौके पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या मीडिया के ये तमाम लोग इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं कि जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कम्प्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया था तो शायद मैं सबसे पहला शख्स था अपनी बिरादरी में से, मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर्स में से, जिसने उनका खुले लफ्ज़ों में उसका खैर मकदम किया था। मैंने वेलकम किया था, एक वीडियो जारी किया था। आज 24 मार्च है और रात के 9:30 बजे। अभी थोड़ी देर पहले हम सब ने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म का खिताब सुना। मैं सबसे पहले तो पूरे मुल्क के तमाम शहरियों की तरफ से वज़ीर आज़म को इस दर्दमंदाना खिताब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
اور ایک ملک کے ایک عام شہری کی حیثیت سے میں اپنے ملک کے تمام شہریوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ 21 دن کے جس کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا وزیراعظم نے اعلان کیا ہے اس کی مکمل پابندی کریں، اور یہ 21 دن ہم سب لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے کو بند کر لیں۔ اس قسم کے ایمرجنسی حالات میں جہاں سرکاری مشینری کی چستی اور شہریوں کے تئیں ان کی سرگرم خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں ہر شہری کے شعور کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے، سمجھداری کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہر شہری کو سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لینا چاہیے، اور اسی کے حوالے سے تمام علماء یا مساجد کے ائمہ، ذمہ داروں، ٹرسٹیوں، عام مسلمانوں سے اس بات کی پرزور اپیل کی تھی کہ اب آپ پلیز تمام بڑے علماء کی اس رائے پر عمل کیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ مسجدوں میں مت جائیے، صرف مسجدوں کے اندر رہنے والے دو تین لوگ وہاں پر جماعت سے نماز پڑھ لے، باقی اپنے گھروں پر نماز پڑھے۔ میں ان لوگوں میں جو سب سے پہلے جنہوں نے اپیل جاری کی تھی ان میں سے میں ایک تھا، میں نے پرزور لفظوں میں اس کا ویلکم کیا تھا۔ کئی دن سے لگاتار ملک کے مختلف علاقوں سے علماء کرام اور باشعور اور فکر مند مسلمان بھائی اور بزرگ مسجدوں میں باجماعت نمازوں کے نظام کے بارے میں موجودہ حالات کے تناظر میں مجھ سے دریافت کرتے رہے، لیکن میں اسی نتیجے تک اس لیے نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ میں فقہ و افتاء کا ماہر بالکل نہیں ہوں۔ میں منتظر تھا کہ اس بارے میں ملک کے جو مقتدر اور معتبر اصحاب افتاء ہیں اور ہمارے علماء میں وہ حضرات جن کی فقہ پر گہری نظر ہوتی ہے ان کی رائے سامنے آ جائے۔ اب جب کہ ان کی رائے سامنے آ چکی ہے اور کئی دن کے غور و فکر اور مطالعے کے بعد مجھے بھی شرح صدر ہوا ہے، تو میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کے بجائے یہ بات کہنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق سب سے پہلے ہمارے ملک کے ممتاز علماء اور اہل افتاء میں اس بارے میں مفتی عزیز الرحمن صاحب، مفتی اعظم مہاراشٹر، جو یقیناً اس وقت صفحے اول کے اہل افتاء میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے اس سلسلے میں بمبئی شہر کے ایک ممتاز دانشور، عالم دین اور ملی رہنما ہمارے محترم دوست مولانا حکیم محمود دریابادی کے استفسار پر ایک تفصیلی جواب تحریری طور پر اور زبانی طور پر عنایت فرمایا۔ اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجدوں میں اذان وقت کی پابندی کے ساتھ ہوتی رہے، اور جن مسجدوں میں امام، مؤذن اور خادم وغیرہ حضرات مقیم رہتے ہیں، یہ لوگ حسب معمول نماز با جماعت کا اہتمام جاری رکھیں، اور باقی سب حضرات محلے کے لوگ مسجد کے پنج وقتہ نمازی وہ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کہ یہ وبائی بیماری بہت بھیانک شکل اختیار کر رہی ہے، اور ہمیں اپنی احتیاطوں کو بڑھا دینا ضروری ہے، اور اسلام بھی اس سلسلے میں ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، ذہن میں رکھیں کہ ہم خود اپنی مسجدوں میں بہت نمازیوں کی تعداد کو کم کر دیں چند دن کے لیے، اس سے پہلے کہ کوئی اور ہماری مسجدوں کو مقفل کر دینے کا حکم جاری کرے۔ اس سے اور ناخوشگواریاں پیدا ہوں گی جس کی اس وقت ملت اور ملک دونوں میں گنجائش نہیں ہے، اور رو رو کر اللہ ہمیں توفیق دے، رو رو کر ہم اپنی امت کے لیے، پورے وطن عزیز میں رہنے والے ایک ایک انسان کے لیے، اور پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے ہم رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، اس وقت ہمارے دل میں اللہ ملکی اور انسانی برادری کے ایک ایک فرد کی خیرخواہی کا جذبہ اور بڑھا دے۔ نماز جمعہ کے بارے میں بھی ہمارے بعض حضرات نے، مثلا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ صرف چار پانچ حضرات پر مشتمل نماز جمعہ کی جماعت مسجد میں ہو جائے، باقی لوگ اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کریں۔ جتنی تکلیف آپ کو یہ باتیں سنتے وقت ہو رہی ہوگی، یقین کیجئے یہ باتیں کہتے وقت کہنے والے کو بھی اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک ایسے شخص کو آپ ملائن کر رہے ہیں،
आप मुल्क में किसी आदमी को छोड़ेंगे नहीं कि वो अपने रीजनेबल पॉजिटिव अंदाज से काम करता रहे। प्लीज़ प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ गॉड अलमाइटी, अपने रवैये को अमेंड कीजिए, अपने रवैये को सुधारिए। मैं देशवासियों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे मुल्क के तमाम शहरियों से, कि क्या अब भी आप इन मीडिया चैनलों पर भरोसा करेंगे? क्या अब भी आप इनकी सब्सक्राइबरशिप बढ़ाते चले जाएंगे, इनकी TRP बढ़ाते चले जाएंगे? इतना बड़ा ब्लंडर है ये। मैंने कुछ जर्नलिस्टों से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, असल में आपकी पिक्चर आसानी से मिल जाती है और मौलाना साहब की नहीं मिल पाई होगी, इसलिए कर दिया गया होगा। व्हाट ए जोक! वाह 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 वाह। मान लीजिए अगर कोई एक्यूज्ड है या कोई सजा याफ्ता मुजरिम है, उसकी सजा आपको उसकी पिक्चर नहीं मिल पाई तो आप किसी को भी डाल देंगे उसकी जगह। कितना इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट है ऑन बिहाफ ऑफ मीडिया। तो मैं मुल्क के शहरियों से अब कहना चाहता हूँ, तमाम शहरियों से, वो किसी भी जात और धर्म के हो, अब आप ऐसे तमाम मीडिया चैनलों का बायकॉट कीजिए। मैं सबसे रابطہ कायम करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका। मैंने नवभारत टाइम्स के लोगों से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने पर्सनली इस पर बहुत अफसोस का इजहार किया और अपने वेब पोर्टल से या वेबसाइट से उसको निकाल दिया। अमर उजाला, हाँ अमर उजाला, इन्होंने भी निकाल दिया मेरे कहने के बाद। ठीक है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन शायद उनका फ़र्ज़ इसके आगे भी है कि वो किसी तरह इसके ऊपर ऑफिशियली अपोलोजाइज भी करें, इसको करेक्ट करें। ये भी पूरी कौम का हक है। मैंने न्यूज़ 18 वालों से भी किसी तरह उन तक भी बात पहुँचाई और उन्होंने भी ये कहा कि इसको निकाल देंगे। मैं अभी मुझे पता नहीं है कि उन्होंने निकाला कि नहीं निकाला। इसी तरह TV9 वालों ने, जो तेलुगू और आंध्रा में उन्होंने जिस तरह मेरी तस्वीर लगाई उस तबलीगी मरकज निज़ामुद्दीन के ख़बर के साथ, तो उन्होंने तो जब वहाँ के लोगों ने भी उनसे कांटेक्ट किया, मेरी डायरेक्ट उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने उनके एडिटर से कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया मैं कुछ वजह नहीं बता सकता, मैं नहीं जानता। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि वो मेरी और मौलाना साहब दोनों की तस्वीर एक साथ चढ़ा रहे थे। ये भी बहुत बहुत दिलचस्प बात, ये उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात है कि जब उनके पास मौलाना साहब की तस्वीर थी तो उनको दूसरी तस्वीर लगाने की क्या ज़रूरत थी। और यहीं से ये शुबा होता है कि ये कोई गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी एजेंसी की तरफ से इसमें कोई खेल खेला गया है मुझे मलाइन करने के लिए। तो जब वहाँ के लोगों ने उनसे बात की और कुछ MLAs ने भी उनसे बात की तो उन्होंने सिर्फ इतना किया कि मेरी तस्वीर को ब्लर कर दिया। क्या आप समझते हैं कि ये बात काफ़ी है? 9TV वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसके अलावा भी और भी, आज रात देर रात में मुझे पता चला कि और भी कई YouTube चैनल्स हैं जिन्होंने यही हरकत की है। इसी से मुझे आप बिल्कुल, मेरा यकीन बढ़ता जा रहा है कि इट वॉज़ नॉट ए मिस्टेक। तो मैं इन मीडिया के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक जर्नलिस्टिक ख़ानदान का इंसान हूँ, मैं खुद एक मंथली मैगज़ीन का एडिटर हूँ जो 88 साल से निकल रहा है, 88 ईयर्स से। मेरे दो बड़े भाई सब कॉन्टिनेंट के टॉप क्लास जर्नलिस्ट रहे हैं। मेरे वालिद मरहूम, वो भी जो मैगज़ीन के एडिटर थे और 100 किताबों के ऑथर थे। हमारी पूरी फैमिली इसी मीडिया के काम से भी ताल्लुक़ रखती है। मैं जानता हूँ जर्नलिस्टिक उसूलों को, नॉर्म्स को, आदाब को। किस जगह पर आप इस मुल्क को पहुँचाना चाहते हैं? आपको मीडिया वालों को नज़र नहीं आया कि इन्हीं तारीखों में हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आला अयोध्या गए? आपको नहीं नज़र आया कि 23 मार्च तक पार्लियामेंट का सेशन चला? आपको नहीं नज़र आया कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो ओथ ले रहे हैं और जश्न मना रहे हैं भीड़ के साथ? आपको ये भी हरकत समझ में आपको ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत नज़र नहीं आती कि जब आप वैष्णो देवी के मंदिर में लोगों को, जो बेचारे लोग वहाँ पर फंस गए लॉकडाउन की वजह से नहीं निकल पाए, तो उनके लिए तो आप शब्द बोलते हैं फंसे हुए। और निज़ामुद्दीन मरकज में जो लोग बेचारे रुक गए लॉकडाउन की वजह से, वो फंस गए, उनके लिए आप शब्द बोलते हैं छुपे हुए। क्या आप देश को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि इन शब्दों के फ़र्क के जाल को वो नहीं समझता, इसके पीछे की चाल को नहीं समझते लोग? आप क्या चाहते हैं? आप इस देश को बीमारी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं या इस देश के लोगों को जो बच जाएं जिंदा बीमारी से उनको आपस में लड़ाकर मरवाना चाहते हैं? आई एम रियली सॉरी टू से, ये मेरी आम जबान में लैंग्वेज नहीं होती,
40 سال سے لوگ گواہ ہیں کہ میں سافٹ اسپوکن مشہور ہوں. مجھے امید ہے کہ ان سب باتوں پر آپ سنسیئرلی غور کریں گے. رکھیو غالب مجھے تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے.